केजरीवाल जी की रिहाई को लेकर यहाँ आज यहाँ पे केजरीवाल जिनके भूखे शराब के जेल के बीच उनसे उनको कैद कर आम आदमी पार्टी करता है यहाँ पर गठबंधन को कई कहना है कि अरविंद जो कि अपने 50 से भी बिहार की तरफ से कोई राहत यहाँ पर जो सैकड़ों की तरफ सारों की तरह यहाँ पे कार्यकर मिलताई है इनका एक केजरीवाल है उनको रिहाइश दिया जाए किसी का रिहाइश जो बिल्कुल भी ठीक उनको सुप्रीम कोर्ट इनका क्या उसके बीच में डाल दिया सीबीआई ने उनको जिसके कारण अभी तक वो जेल के श्रीमती सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री सम्मान दिया यहाँ पर आए हुए और मांग है आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री कितने लोग यहाँ पर जबरदस्त बात करना चाहिए। नमस्कार जी, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे पार्टी के हजारों के दौरान में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और क्योंकि आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। सर, जैसे कि सीबीआई और ईडी जो है बार बार आरोप बदल रही है, जैसे कि सीबीआई ने अभी अपना आरोप पत्र दाखिल किया जिससे निकली थी आज जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसके बीच उनको मुख्य कार्यकर्ता कार्यकर्ता जो है उसके बीच में जो है अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जा रहा है। सर, इसके बारे में बता दें। देखिए, आज का जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की अमानवीयता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अमानवीय है। आप ये समझिए कि जेल में अरविंद केजरीवाल जी का 34 बार फिगर 50 से नीचे जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी जान बूझ के अरविंद केजरीवाल जी जाना चाहता है, साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल उनके बीच में जो खतरा बने हट जाए। हम उन्हें बता रहे हैं, ईडी ने जो पिछले मामले में जमानत दे दी, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी बता दें सीबीआई का केस आपने डाल दिया है। ऐसे तो आप नेताओं को जिंदगी भर फर्जी केस डाल कर जेल में रखते जाएंगे। हमारे नेता संजय जी ने सदन में कह दिया है जेलों का बजट बढ़ा लो क्योंकि अब तुम जेल में आने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए। मात्र साजिश करता तो ईडी ने जिन दिन को कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको 7 करोड़ का चंदा ले लिया है। तो ये तो चंदा चोर वाली पार्टी है, ये तो उस तरीके से चलने वाले लोग हैं। तो आपको समझना है। और जैसे कि अभी आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि जो न्यायालय है वहाँ पर भी अगर कोई बहुत हद तक जो है न्याय आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो किस प्रकार से न्याय मिलेगा? देखिए, न्यायालय के किसी आदेश से अगर न्यायालय को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारतीय न्याय की परंपरा में एक पहली बार देखा गया कि एक आदेश को एक आदेश के आए बिना उस आदेश पर रोक लगा दी। तो देखिए, न्याय में अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर साबित होती रहती है। अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट जो इलीगल अरेस्ट है उस पर भी आप देखिएगा एक ऐतिहासिक अरविंद केजरीवाल जिस भी मामले में जाते हैं वो इतिहास बना। आज अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी ने उनको जमानत मिली, सीबीआई ने केस डाला। आप वक्त आने दीजिए, आप ऐतिहासिक फैसले देखेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार और अच्छे नेता को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। तो सर क्यों नहीं, क्योंकि तुमसे
तुम अरविंद केजरीवाल से हार जाते हो, तुमको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के काम का मुकाबला नहीं कर पाते हो। वक्त जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना दो का आंकड़ा था उसी को उजाएंगे, उनको लेकर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को कोशिश की जा रही है कि जो जाए जाएगा, तो ये इनकी ये जो तो जैसे महाराष्ट्र के भी अभी चुनाव आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा के विधेयक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है, तो क्या इनकी कोशिश है कि तब तक इनको जेल में रखा जाए हरियाणा के चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, इसका राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरी ऐसी पार्टी है जिसके दो राज्य में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से चुना एकदम ही सामान्य सी बात है। वो डर रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बहुत बड़ा खतरा है, उनको वो जेल में भी पर दिलाने का। लेकिन आपने इतिहास में और इस देश में देखा है जिस दिन उनकी अमानवी और क्रूर काम किया है, जनता ने उनका सम्मान किया। मनीष सिसोदिया जी जो 6 बजे सुबह उठकर दिल्ली के स्कूलों के प्रयोग मीटिंग मीटिंग करना चाहते थे, ऐसे मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया, आपने करने का काम समाप्त कर दिया। अभी हमें प्रवेश मिश्रा जी ने बताया कि अभी ये तो की जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जाती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जाती है, और अगर इस प्रकार की जाती है अगर भारतीय जनता पार्टी करती रही तो उसके गंभीर परिणाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में। सर, आप उसको कैसे देखते हैं, जो ये गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ तक देखते हैं? करीब करीब 2 साल से इस मामले को लगातार करें कि मोदी जी और भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है देश को बर्बाद संविधान को बर्बाद करने में। ये सोचते हैं कि हम हैं, बाकी देश में कोई और, इंडिया गठबंधन इसीलिए बना था इस बार 3 अप्रैल हम सबको मिलकर संविधान को बचाने की उम्मीद है। उस मुहिम में जो सफल भी हुई, मेजोरिटी का मार्ग नहीं आ पाए, उन्होंने बात एक वो तो सरकार बना ली, लेकिन एक लहजे में इंडिया अलायंस सफल हुआ। अब इसको आगे और ले चलना है। आज अगर आप सोचें कि सिंबॉलिक क्या है, क्या प्रमाण है कि मोदी जी ने संविधान का हनन कर रखा है, अरविंद केजरीवाल मोदिया जी आम आदमी पार्टी इन्होंने तंग किया, प्रमाण स्वरूप देश जनता के सामने पार्टी के साथ जो आयन शामिल हो रही है मेरे नेताओं को ये पूरी सिद्ध करता है कि मोदी जी ने मिलकर संविधान को बर्बाद किया। उसी के संदर्भ में आज सारे पार्टी इकट्ठे हुए, आज कांग्रेस का समाजवादी पूरे देश में हर व्यक्ति संविधान को पालन करता है, संविधान करता है कहना चाहता है, सब आज इकट्ठे और मुझे लग रहा है आज आवाज खोज गई होगी और इसका परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। जल्द अरविंद जी हमारे बीच में होंगे, वो काम की राजनीति को जो मुद्दा माने जाते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि आज की एक खबर है पेपर के बीच में कि 4 करोड़ वोटों में आपने ये पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी की गई है जिसकी वजह से, तो सर ये कहाँ तक सच्चाई है? सर देखिए, 4,65,00,000 वोटों का जो अंतर दिखाया जा रहा है, जो वोट डाले गए और जो गिने गए उसमें जो अंतर हुआ, और बार बार इन्होंने ये हर चरण में परसेंटेज बढ़ा के दिखाया, तो वो वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है, उसने एक बड़े जद्दोजहद के बाद बड़े साइंटिफिक तरीके से वैल्यूएट करने के बाद निकाली और देश के मुख्य अखबारों ने इसे पब्लिश किया है, तो बड़ा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। और अगर इस इंफॉर्मेशन को आप समझे ढंग से तो देश में इंडिया नेशनल सरकार बनती है। हाँ जी सर,
इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और फिर मोदी जी को बताना चाहिए कि जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाए थे अपनी सरकार बनाने को, एक्सपोज हो गया है और आप आज कितने साबित हुए हैं इससे देश में। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है और आज भी आप यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर विधानसभा से आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आप यहाँ पर आए, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है? मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, आपकी पार्टी बवाना विधानसभा हूँ, ये जो लगे दी है सर कोर्ट हमारा कानून ये कहता है इनको जमानत दे दो, नोटिस के लिए भाग जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, नहीं भाग जाती ऐसी जल्दी कल कम दस बजे शुरू होती है ना, दस बजे भी नहीं आई है, ऐसे मोदी क्या डर है, मुझे समझ में नहीं आता क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल सच बोलता है वो डर है। सर आपको क्या लगता है कि चुनाव नहीं होंगे और महाराष्ट्र में तो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये नहीं होंगे तो केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश है, पूरी है जी बैठे सामने एक दिल्ली का चुनाव है उसको जेल में रखने में उसको रखा हुआ है, जनता का बहुमत है, दिल्ली की 250 करोड़ का बहुमत है, एल जी का भी नरेंद्र मोदी का भी जनता उसके बाद हाल इन्होंने क्या हाल करेंगे लोग, तो आपका कह रहा है तो जेल में रखेंगे, नहीं चुनाव नहीं सीएम साहब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कांग्रेस में ज्यादा समय नहीं चलेगी, अभी देश के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी ज्ञान का जो है अभी यहाँ पे कानून है, कुछ लोग दिग्गज को क्या होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी देश करता है उनकी आम आदमी पार्टी लोकसभा सर जैसे की अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और आज इनके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हमने देखा की उनकी गिरफ्तारी उसको लेकर तादाद जमा हुआ है, उनका कहना की अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया ये बिल्कुल अवैध है, इसके तुरंत प्रभाव से जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत में लीजिए, आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि कोई जरूरत नहीं है कोई कुछ नहीं है, इनको गाय को गिरफ्तार कर रखा है, कान है एंट्री हो जाती है की जब तक दिल्ली के चुनाव में होंगे तब तक केजरीवाल साहब को जेल में रखा जाएगा, सोचे की साजिश है कह सकते हैं कि साजिश है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की कोई नहीं और लोगों को भी परेशान कर रही है ईडी सीबीआई भेज करके, उससे तो ये सीबीआई को नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है आने वाले कुछ आने वाले जो ईयर में है कई राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसकी वजह से सरकार को लग रहा है कि भाई दिल्ली को सबसे पहला सबसे दिल्ली में होने वाला है, तो लग रहा है कि हम यहाँ पर अगर उस राज्य की सरकार को कमजोर करते हैं तो हमें उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी के साथ ये साजिश के तहत उनको बंद किया। धन्यवाद हमारे साथ, जैसे कि आप देख रहे हजारों की तादाद के बीच में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हम मैडम हिंदुस्तानी सरकार ने जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है ये खास कुछ ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो वो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज तक किसी नेता ने इतना नहीं कराया, शिक्षा को लेकर और बिजली पानी को लेकर दिल्ली की जनता उनसे बहुत खुश है, ठीक है, दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भाजपा को जिनको मतलब उनको ही प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दिल्ली वासियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दिल्ली तो खुश है, दिल्ली को क्या हिंदुस्तान उनका ये सोचता है कि जैसे महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश है, उनको जानबूझ के रखा गया है, पहले भी इलेक्शन में लाल किया उनकी पार्टी को ओढ़ने काम कर देंगे और दिल्ली के लिए वो ये सब कुछ ना करे इसलिए उनको बंद कर दे, क्योंकि वो तो ऐसे है कि वो केजरीवाल नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा के रूप में काम कर रहे दिल्ली के लिए, इसलिए उनको पता है कि आगे में आप हम छोड़ेंगे कि और अच्छा कर देंगे, जनता तो बहुत खुश है
पूरा लैपटॉप के ऊपर कोई भाषा दिए कि खुला छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। बिल्कुल यही कारण है और कुछ ऐसा बोलना नहीं था। अगर सारे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही साफ है। आप बताइए की भारतीय जनता पार्टी में रहने का पता चलती है हवाई जहाज में उड़ रही है, एयरप्लेन में उड़ रही है, महंगे महंगे जूते चप्पल इतनी महंगी सिक्योरिटी, वो पैसा जनता का ही है जिसको हम ऐश कर रहे हैं। जनता का दिया हुआ क्योंकि अब ये फलाना एस पी ये एस पी पूरा पैसा पूरी गरीब हो चुकी है, जनता के पास कुछ बच ही नहीं रहा, शिक्षा के लिए पैसे ना खाने के लिए पैसे बचे, पैसा कमाने के लिए पैसे उड़ जाता है। तो इसलिए ये सारी उनकी साजिश है कि जनता पर ना जाए। जमानत होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शादी सोची जा रही है और जो बिल्कुल ठीक नहीं है उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि देखो वो शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट को अगर आप बंद कर दोगे तो उनको नेचुरली सफोकेशन होने लग जाएगी। तो जेल में रखने का मतलब है उनको घुटन के किसी ऐसी जगह पर कैद कर लिया जा रहा है, सांस वो नहीं ले पा रहे खुद, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। नमस्कार मैम, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम हजारों की तादाद के बीच में लोग आए हैं, जो दिल्ली के चले हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उनकी जो गिरफ्तारी की गई है उनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता रखे उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है, ये गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी अवैध है, ये गिरफ्तारी जो है अगर हम कानूनी कागज से देखें तो ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं निवेदिता विकास गुप्ता माधीपुर विधानसभा सोनी जी के यहाँ। मैं ये यूपी केजरीवाल सरकार जो कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ये सब जो काम किया, जो जो वर्ल्ड लेवल पे काम किया, तो हमारे चुने में जनतंत्र के द्वारा जनता ने उनको चुना, उनको वे जेल में डाल रखे हैं, आज उनका लेवल नीचे जा रहा है। कभी कुछ केजरीवाल केजरीवाल जी का कुछ हो जाता है जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी सरकार है पार्टी टक्कर दे सकती है तो आम आदमी दे सकती है, तो ये उनके सारे मंत्रियों को जेल में फंसा कर डाल, जबकि पता है कि एक भी सबूत नहीं मिला, जनता जानती है सारी बातें, फिर भी और सबकी जगह बात मानवता के लिए पहले पार्टी तो उसके बाद में मानवता, मानवता ये कहता है कि आज वो जेल में है, उनके शुगर लेवल को भी उनको इलाज एक अच्छे तरीके से वस्ती में होना चाहिए था, ना कि जेल में इलाज हो रहा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि केंद्र को और लोग को मानवता के लिए पार्टी अगर छोड़ दिया जाए तो केजरीवाल जी से अच्छे इलाज की जरूरत है। और उनको सबसे बड़ी बात केंद्र में केंद्र ये कहती है स्वास्थ्य परेशान है जनता मंत्र पे उसी रात का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि जनता मंत्र के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के विरोध में आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, ये कहाँ पर जनता मुख्यमंत्री अरे जनता ही उनको जवाब भी दिया है, उन्होंने जो भी किया है हत्या की है और इन्होंने गलत किया है कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, क्योंकि इस बात को ये साफ हो सकता है कि ये मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है, ये सारे आम आदमी पार्टी को इन्होंने नोटिस भी भेजा है, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जो भी है हमारे सारे नेता, क्या ये भ्रष्टाचारी है? इनके पास
पुलिस वालों के पास, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन जमानत ऑर्डर को ये बाहर किया कि आप दोबारा से आप अपने जमानत के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपील किया तो मोदी ईडी ने रखवाई। फिर उसके बाद जमानत खुल गई, अंतिम जमानत खुल सीबीआई ने दी उनको और निचली अदालत ने उनको दिए हाईकोर्ट ने, तो उन्होंने सीबीआई को भेज दिया कि इनकी जमानत, इसलिए उन्होंने सीबीआई को पीछे लगा दिया। अब जनता उनको जवाब दे रही है सर। चुनाव मुख्यमंत्री उनको शराब घोटाले के बीच में जेल में रखा हुआ है, सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम बात करें तो ईडी ने जो उनको लगाया, सुप्रीम कोर्ट को उनको इल्जाम है, लेकिन उसके बाद भी नहीं जेल में रखा गया, तो इस विषय में क्या करें? कहना चाहती हूँ कि वो हम केजरीवाल जी को बंद रखना चाहते हैं, उनको मरवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कम हो गया है। वास्तव में वो यहाँ की इतना अच्छा काम किया है, पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। अब उन्होंने मतलब कोई आज के टाइम में हमने भी जिंदगी बिता दी, कभी भी बिजली का बिल कम नहीं हुआ। हमने वो समय से देखा है कि मतलब बस का टिकट चाहे कितने कम पैसे होते थे तो होते थे, लेकिन बिल्कुल फ्री महिलाओं के लिए हम उन्हें सल्यूट करते हैं। आज इतनी दोपहरी में सपोर्ट करने के लिए यूपोर्ट यहाँ करें, इतनी तादाद में हम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। मैम अभी अरुण केजरीवाल जी को जेल में रोका जा रहा है, उनको जमानत एक कैसे मिलती है तो किसी न किसी और तरीके से उनको जेल में रोकने की कोशिश की जाती है, तो क्या जैसे कि हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? अरविंद केजरीवाल जी तब तक भी चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में जेल में चुनाव हुई थी, जब भी कि उनका मोटा होने अगर जो उन्होंने किया है ये पहले के सामने नहीं आया, अभी नहीं आया। आज देखो है ना, साफ साफ लगता है चक्कर में हूँ जनता केजरीवाल जितने भी बच्चों की गरीबों की मदद करनी हो, बिजली के लिए, लेडीजों के लिए बसों का इंतजाम करना, किसने किया है? किसी ने नहीं किया। हजारों तादाद के बीच में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, महागठबंधन के यहाँ गठबंधन है, उसके यहाँ पर तकरीबन हर एक पार्टी का यहाँ पर नेता जो है अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के बीच में यहाँ पर शामिल हुआ, आकर सबने आकर अपने विचार रखे। हमने देखा कि जो लोग हैं कहना, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई जो है बिल्कुल अवैध है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर का लेवल होता जा रहा है, माननीय आधार के ऊपर उनके जो हॉस्पिटल के रूप में उनका इलाज है, उनका इलाज कुछ समय जेल के बीच में रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को कल छोड़ता है तो आप आदमी को कहना है कि कौन जिम्मेवार है, कौन उसके रूप में देगा? अगर कुछ हो जाता है जेल के बीच में उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चाहते हैं मोदी सरकार या फिर आम आदमी, कौन जिम्मेवार? अपने शहरी के अंदर जो करें जंतर मंतर।